देश अपनी आज़ादी का 77वां वसंत पूरा करने वाला है। इन 77 वर्षों में देश ने जीवन के हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की है। सामाजिक जीवन हो या अर्थव्यवस्था, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, धरती जल हो या आसमान, या फिर रक्षा क्षेत्र, हर जगह भारत का तिरंगा लहराया है। 77 साल की ये यात्रा जितनी ही शानदार रही है, उससे कहीं ज्यादा अनगिनत लोगों का इसमें योगदान भी शामिल है, जिससे दुनिया में भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं देश की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। देश को मिला अपना संविधान। आजादी के बाद भारत ने अपनी सबसे पहली उपलब्धि के रूप में संविधान की रचना की, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खत्म हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। भारत के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत मील का पत्थर साबित हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में संसद में पेश किया गया था। इसका फोकस प्राइमरी सेक्टर के विकास पर था। स्वतंत्रता के बाद देश के पूर्ण विकास में एक के बाद एक कई पंचवर्षीय योजना आए और देश की तरक्की को एक नया स्वरूप मिला। आम चुनावों की शुरुआत। 1950 में भारत गणराज्य बना और लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों की शुरुआत 1951 और 52 में आम चुनावों के साथ हुई। आम चुनावों के बाद 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ। पहले लोकसभा चुनावों में देश में सिर्फ 489 सीट थी और कुल योग्य मतदाताओं की संख्या 17.3 करोड़ ही थी। खेती और डेयरी को मजबूती देने के लिए हरित और श्वेत क्रांति। देश में खेती किसानी को मजबूती देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसने देश में खाद्यान्न संकट को दूर किया। आज भारत दुनिया के अग्रणी कृषि पैदावार वाले देशों में शुमार है। वहीं देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। दुनिया के इस सबसे अनूठे कार्यक्रम ने भारत को दूध उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च। भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में लॉन्च किया गया और इसके साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने में वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कदम रखने के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की ऊर्जा और सामर्थ्य शक्ति थी। रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद इसरो का गठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को मिली सफलता के बाद 1969 में किया गया। इसरो के गठन का लक्ष्य अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और ग्रहों की खोजों के साथ राष्ट्र के विकास के लिए किया गया था। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा और मंगल मिशन पर फोकस कर रहा है। चंद्रयान वह पहला मिशन है जिसने चांद पर किसी भी रूप में पानी की संभावना का पता लगाया है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना भारत। भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करके ही अपने सामर्थ्य से दुनिया को परिचय करा दिया था। लेकिन जब इसके 24 साल बाद 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में DRDO और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक के बाद 5 परमाणु परीक्षण किए तो समूचा विश्व भारत का लोहा मानने को मजबूर हुआ। IT सेक्टर में दुनिया को दिखाई रहा। 15 अगस्त 1947 में टेक्नोलॉजी जैसे शब्दों के बारे में कोई भी नहीं जानता था। आज IT के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर है। बैंगलोर और गुरुग्राम जैसे शहरों को देखकर लगता है कि ये भारत का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन यह हकीकत है। आज दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं उनमें कई सॉफ्टवेयर में भारतीयों का योगदान रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना बाजार कायम कर रही है।